नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। हमने देखा पिछला हफ्ता एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक रेंज बाउंड का रहा, हालांकि मसालों के अंदर लोअर लेवल पर रिकवरी देखने को मिली। ग्वार सीड ग्वार गम भी पॉजिटिव नोट पर क्लोज होते हुए देखे गए, जबकि हमने देखा कॉटन सीड और कुकुड़ के अंदर एक मिला जुला रुख देखने को मिला। कुछ नेगेटिविटी के साथ भाव बंद होते हुए देखे गए। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक्सपेक्टेड है मसालों के अंदर अगेन खरीदारी देखने को मिल सकती है। ग्वार सीड ग्वार गम में भी लोअर लेवल पर खरीदारी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम कॉटन कपास की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। टेक्निकल लेवल इस प्रकार हैं: जीरा सपोर्ट 19,200, रेजिस्टेंस 19,600, टर्मरिक सपोर्ट 10,000, रेजिस्टेंस 10,200, कोरिएंडर सपोर्ट 10,050, रेजिस्टेंस 10,300, कॉटन सपोर्ट 36,500, रेजिस्टेंस 37,200, कॉटन सीड ऑयल केक सपोर्ट 3150, रेजिस्टेंस 3210, ग्वारगम सपोर्ट 11,800, रेजिस्टेंस 12,150, ग्वार सीड सपोर्ट 6,310, रेजिस्टेंस 6,460, ग्वारेक सपोर्ट 8,100, रेजिस्टेंस 8,240। एक्सपेक्टेड है ग्वार सीड ग्वारगम और जीरा के अंदर आज खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे के लिए मसालों के अंदर ग्वार सीड ग्वारगम में खरीदारी का ट्रेंड बना के चल सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।